नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको ये DTH का फ्री चैनल का सप्लाई है जो कि यहाँ 12 वोल्ट बैटरी से ये चलने के लिए बनाया गया है और यहाँ पे आप 1.5 एम्पियर का एडेप्टर भी लगा सकते हैं इसी करंट से चलाने के लिए। तो मैं आपको एडेप्टर दिखाता हूँ, तो आप ये एडेप्टर देख लें जो कि 12 वोल्ट का है और इनमें प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जैसे ही आपको मैं यहाँ दिखा तो यहाँ पे मुझे सप्लाई मिल रही थी और यहाँ पे ये लगाने के बाद यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट बनाने के लिए ये दोनों साइड में यहाँ से डायोड देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे 2 IC का प्रयोग किया गया था जो कि सेम नंबर का था और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट बनाने के लिए डायरेक्टली यहाँ से आपको यहाँ पे सप्लाई बनाया हुआ था और 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे IC का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ तक तो करंट आती थी लेकिन इसके अंदर एडेप्टर लगाने के बाद इनकी सॉकेट में लगाने के बाद क्या होता था, यहाँ पे करंट मिलना बंद हो जाता था, यानी ये शॉर्टिंग की वजह से सारा का सारा पावर जो है ग्राउंड हो जाता था, मुझे कुछ भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलते थे। तो इनमें ये IC ख़राब थी या ये IC ख़राब थी तो इनका पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 12 वोल्ट की सप्लाई इनमें गई हुई है तो यहाँ पे मुझे प्रिंट को यहाँ पे कट करना पड़ा और यही जो है यहाँ पे भी सप्लाई गई थी तो यहाँ पे भी मुझे कट करना पड़े और इसके बाद जो है तो फिर यहाँ से यहाँ पे सप्लाई गई हुई थी तो यहाँ भी मुझे कट करने पड़े क्योंकि अगर यहाँ कट है यहाँ से यहाँ अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ भी यहाँ पे भी मुझे करंट नहीं मिल रही थी तो यहाँ भी प्रिंट काटना ज़रूरी पड़ गया और इसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे भी मुझे सीधा ही 12 वोल्ट से यहाँ पे सप्लाई जा रही थी तो यहाँ पे मुझे 4 पोर्शन पे यहाँ पे कट करना पड़ा। तो इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे पिन लगा तो ये मुझे प्राप्त वोल्टेज होने लगे यहाँ से यहाँ। तो जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे 12 वोल्ट 24 वोल्ट मिल रहे थे, ग्राउंड भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है और यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि इनके अंदर जो है ये दोनों IC ख़राब है। तो इन दोनों में से कोई एक सा भी हो सकता है या दोनों के दोनों भी ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो मीटर कितनी रीडिंग दे रही है देख सकते हैं और जहाँ पे मुझे 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे भी मिल रहे हैं और ये ग्राउंड है देख सकते हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं ये ग्राउंड है ये दोनों और यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो मान लीजिए अगर ये IC ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, जैसे कि मुझे यहाँ पे और यहाँ पे 2 वोल्ट मिल रहे हैं, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट और ये ग्राउंड भी मिल रहा है, साइड वाली सिर्फ 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ये मार्केट में IC अवेलेबल नहीं भी होगी, IC अवेलेबल है तो इनमें IC लगा ले तो ये फिर से ओके हो जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही इसका साधारण उपाय मैं इस वीडियो में बतलाता हूँ जो कि यूज करने से आप इसको फिर से चालू कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे प्लस और माइनस, तो 7805 नंबर का रेगुलेटर IC ले या ट्रांजिस्टर जो भी हो ले लें 7805 और एक नंबर पिन पे जो है यहाँ पे इसकी सप्लाई यहाँ पे जोड़ दें और सेकेंड नंबर की यहाँ पे जोड़ दें
एक नंबर यहाँ प्लस 12 वोल्ट, दूसरी नंबर सेकंड माइनस, और तीसरा पिन को सीधा ही यहाँ पे 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दें। ध्यान रहे उल्टा नहीं होना चाहिए, अगर उल्टा हो जाएगा तो ये डीटीएच का कार्ड जो लगाइएगा वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए एक नंबर पिन पे 12 वोल्ट, दूसरे पे सेकंड पे माइनस रहेगा, और तीसरा नंबर पिन सीधा ही यहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि इसका ट्रैक एक दूसरे का और कैपेसिटर जो भी लगा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, जीनर भी लगा हुआ है, इस सभी का कनेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको ओनली जो है यहाँ पे 5 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ पे करना है, और जैसे ही 5 वोल्ट इन्हें मिलेंगे तो ये कार्ड फिर से ऑन हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था दोस्तों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।